आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपने आते जाते आजकल सरकारी बसों पर केजरीवाल सरकार के ओलंपिक्स खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के बैनर पोस्टर तो खूब देखे होंगे। दिल्ली बोले जीत कराना, ये पोस्टर दिल्ली की हर सड़क, बस, ऑटो, हर जगह दिख रहा है। लेकिन क्या हो अगर हम आपको बताएं कि बैनर पोस्टर पर करोड़ों खर्च करने वाली केजरीवाल सरकार ने ऐसा करके सिर्फ अपनी इमेज चमकाने का काम किया है। जमीनी स्तर पर हालात ये है कि उन पर एक एथलीट ने ही आरोप लगा दिया है कि उन्होंने खिलाड़ियों के लिए कुछ भी नहीं किया। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले दिल्ली के 5 एथलीट्स के बैनर लगाकर खूब वाहवाही लूटने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एथलीट्स को ओलंपिक की तैयारी के लिए कोई भी आर्थिक सहायता मुहैया नहीं कराई। ऐसा ही कुछ कहना है दिल्ली के एक एथलीट सार्थक भामरे का। सार्थक का ये भी कहना है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने हमें ओलंपिक्स की तैयारी के लिए कोई भी आर्थिक मदद नहीं दी है। दरअसल इस बार देश की राजधानी दिल्ली के 5 एथलीट्स टेबल टेनिस स्टार मनिका बत्रा, शूटर दीपक कुमार और 2 400 मीटर धावक अमोद जैकब और सार्थक भामरी ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया। इन सभी के बड़े बड़े बैनर्स पूरी दिल्ली में लगाए गए। दिल्ली के ही रहने वाले सार्थक भामरी का कहना है कि केजरीवाल सरकार ने ओलंपिक्स मिशन में वाहवाही लूटने के लिए शहर भर के चौक चौराहों को बैनरों से पाट दिया, लेकिन उन्होंने खिलाड़ियों को सुध लेना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने केवल बैनर लगाने पर ही फोकस किया और खिलाड़ियों की अनदेखी की। राजौरी गार्डन के 22 साल के सार्थक का कहना है कि मैं आपको बता सकता हूं कि दिल्ली सरकार ने मुझे कभी भी कोई आर्थिक मदद नहीं दी। हाँ, मेरे पोस्टर जरूर लगाए गए, दिल्ली बोले जीत के आना। कैसे जीत के आना? सार्थक ने आगे कहा, मैंने कहीं देखा है कि ओलंपिक्स के लिए होर्डिंग्स और पोस्टर पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। यहाँ तक कि अगर उन्होंने ओलंपिक्स में जाने से महीनों पहले हमारी तैयारियों के लिए इसका 10-15% भी खर्च किया होता तो हम अपने प्रदर्शन को और भी ज्यादा बेहतर कर सकते थे। हालांकि सार्थक भामरी ने 11 अगस्त को ट्वीट कर दिल्ली सरकार का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मीडिया के साथ मेरी हालिया बातचीत को गलत तरीके से पेश किया गया है। मैं दिल्ली सरकार का पूरा समर्थन करता हूं। मैं पहले उनकी योजनाओं से वाकिफ नहीं था और इसीलिए मिशन एक्सीलेंस स्कीम के लिए आवेदन नहीं कर सका। भले ही सार्थक ने ट्वीट कर दिल्ली सरकार का समर्थन करने की कोशिश की हो, लेकिन जो बात थी वो तो सामने आ चुकी है। केजरीवाल सरकार पर विपक्ष भी कई बार विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च करने का आरोप लगा चुका है और अब खिलाड़ियों की तरफ से भी ऐसी शिकायतें आना केजरीवाल सरकार की जवाबदेही तो बनती है। तो ये थी हमारी खबर, आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती रहें।